तो आज हम लोग आए हैं सुपर टायर्स बाइंदर में, तो काफ़ी अच्छा बाइक का टायर्स का रेंज है इनके पास। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं अपने हिमालयन का जो टायर्स है वो चेंज कर रहा हूँ, एंड बाय द टाइटल यू नो आई एम गोइंग फॉर रेज मोटो दिस टाइम। तो काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसको प्रमोट भी किया है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़। तो फाइनली आई विल बी यूजिंग इट एंड आई विल शेयर माई राइड रिव्यू लेटर ऑन। तो अभी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं फ्रॉम सुपर टायर्स बाइंदर। इनका कलेक्शन भी दिखाता हूँ, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। तो मोटो वॉन्डर्स जो हमारा ग्रुप है, इनका यहाँ पे अभी बूट कैंप भी हुआ था, उन्होंने काफी टेक्निकल नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, सो क्वाइट इंप्रेसिव। कोई टायर वाला नहीं होता, तो खुद ही पंचर रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ये हम लोगों ने खुद फेस किया है। और जो भी ग्रुप राइड्स पे आते हैं, मैंने काफी बार ब्रीफिंग में बोला भी है कि वी ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि किसी एक का भी ब्रेकडाउन होता है तो पूरी ग्रुप की टाइमिंग जो है वो ख़राब हो जाती है डेस्टिनेशन में पहुंचने का। और सबसे पहला राइड था हम लोग का स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पे एग्जांपल सेट हो गया था टायर्स के लिए कि एक बंदा था, अभी उसका नाम वाम नहीं हुआ, बट वो बंदा आया राइड पे सुबह 5:30 बजे, आते ही पता चला उसका टायर पंचर है। ठीक है, उस पंचर टायर के साथ हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी करने वाले थे, मतलब जो टाइम पहुँचने का था इट वॉज अराउंड 12 or 1 इन द आफ्टरनून, और हम लोग पहुँचे 5:30-6 बजे जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद हो जाता था, क्योंकि उसका टायर पंचर था। यहाँ से एक बार बनाया, आगे जाके फिर से पंचर हुआ, फिर आगे मतलब ट्यूबलेस टायर था ऑल दो, वो भी इतने इश्यूज हुए कि इसमें कभी टायर का हेल्थ देखा ही नहीं था कि टायर क्या कंडीशन में है बाइक पे। ये चेक कर, थैंक यू फॉर सुपर टायर, हम हार्दिक ब्रदर शॉप था, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया, इवन की टॉकिंग ओवर अबाउट बिकॉज दो गाइस आर द एक्सपर्ट्स। वो तो टायर के लाइफ के बारे में बात करें, तो फर्स्ट अपन ट्यूबलेस टायर पर बात करें। कोई भी टायर का लाइफ है ना, आपको चेक करना है कितना परसेंटेज बचा है। तो एवरी टायर जो होता है इसके ऊपर 12 mm से 15 mm रेड टेप देती है मैन्युफैक्चरर, तो उसको चेक करने के लिए टायर के साइड पे TWI लिखा रहता है। आप ये देखोगे TWI, जैसे ये देखोगे इसको बोलते हैं टायर वेयर इंडिकेटर, तो ये एवरी 30, 40 या 60 degrees पे टायर पे रहेगा, तो आपको घुमा घुमा के देखना है। अभी ये TWI है जो इधर, अब जैसे TWI देखोगे तो आपको इधर एक स्क्वायर बार दिख रहा है, तो ये स्क्वायर बार जो है ना वो फाइनल पॉइंट है, मतलब उसके नीचे आपको चलाना नहीं है, उसके नीचे चलाना मतलब टायर अनसेफ है। ठीक है, तो ये ना आपको इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, तो आप इस पर चेक कीजिए कि इसके ऊपर आपका कितना लाइफ बचा है। अभी जैसे इस पर अभी 20-25% बचा है। नया टायर जब भी आप बाइक लेते हैं तो आपको देखना है कि कितना लाइफ है, तो आप एक कॉइन लीजिए, उसमें इंसर्ट कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा 12 mm, 10 mm, उसके ऊपर ही जैसे आप इस पर वापस से वो कॉइन डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 50% टायर घिस चुका है, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका टायर का लाइफ है। सेकेंड थिंग आपको क्या चेक करना है, कभी कभी क्या होता है प्रेशर की वजह से ना, ज़्यादा प्रेशर रहेगा ना तो सेंटर पोर्शन ज़्यादा घिसेगा, कम प्रेशर रहेगा तो ये साइड पोर्शन ज़्यादा घिसेगा, तो आपको वो भी चेक करना है कि टायर अनइवन वेयर हो रहा है कि नहीं। अभी से कार्तिक भाई के केस में देखो, ये टायर ये ब्लॉक ज़्यादा घिसा है, ये कम घिसा है, अनइवन घिसा है, तो ये मोस्टली क्या होता है ट्यूब टाइप टायर्स में ना, ये जो लाइन होती है ये लाइन है ना परफेक्ट होनी चाहिए, अगर ये लाइन ज़्यादा एक बाजू अंदर और एक बाजू बाहर रही है तो टायर वॉबल गए, तो आपको जाना है नज़दीकी टायर वाला जो एक्सपर्ट रहेगा वो इसको निकालेगा, इसका जो ये लाइन है ये पूरा परफेक्ट सेट करेगा, तो उससे आपका वॉबलिंग इशू बंद हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, आपका हवा के वजह से भी वॉबल होता है, ज़्यादा हवा रहेगा तो टायर वॉबल होगा, कम हवा रहेगा तो भी वॉबल होगा। और थर्ड थिंग क्या है, अभी ऐसे आप सुबह सुबह निकले, आपने रात को टायर में हवा भरा लिया पंचर पेट्रोल पंप पे जाके, और आप सोचते कि सुबह आप निकल जाएंगे पर हवा बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होता है ये जो वॉल पिन होती है, अभी ये जब आप खोलेंगे ना तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि जो इन्फ्लेट करते हैं टायर तो इधर लगा देते हैं, आपने जनरली नोटिस किया हो, तो ज़्यादा हवा रहेगा तो निकाल लेता है, कम हवा रहेगा तो वो डालता है, तो इसके बीच में जो ये पिन होता है ना इसका एक लॉकिंग स्टेज होता है, तो वो लॉक नहीं होता है। अभी उसने तो ऐसा लगा के छोड़ दिया आपको ऐसा, और अब चले गए घर, अब ये जब लॉक नहीं होगा ना तो रात भर बैठे बैठे ये हवा निकल जाएगी। अब हवा निकल जाएगी तो क्या होगा, आप सुबह बोलोगे पंचर है टायर, आप उसको आपके पास अगर 90% लोग का इन्फ्लेटर नहीं रहता तो लोग क्या करेंगे, धक्का मार के लेके आएंगे, तब तक ये ट्यूब है ना कम प्रेशर में चलने से ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप टायर इन्फ्लेट करो पेट्रोल पंप पे या कोई भी जगह पे, तो आप एक पानी वाला कोई भी सोप सॉल्यूशन रहेगा वो इस पे लगा के चेक करो कि इसमें से हवा निकल रही है कि नहीं,
हाँ नहीं निकल रहे फिर ये कैप आप लगा दो। जनरली कैप लगा के रखने का, क्योंकि डर्ट वर्ट जब ऑफ रोड से जाते हैं तो उसके अंदर एक्यूलमेंट हो गया, कभी कभी उससे भी अंदर रबर सील खराब होता है। वो जो मैंने आपको पिन का एक्शन बताया जो लॉक होती है उसके वजह से होता है, तो वो लीक होने की वजह से फ्रंट टायर वॉबल होता है। तो जनरली आपको फ्रंट टायर में ना, ये देखो इसमें भी आपको नोटिस होगा, ये ब्लॉक ज़्यादा घिसा है, ये कम घिसा है, ये ज़्यादा घिसा है, ये कम घिसा है, ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो ऐसे ऐसे वाले टायर को आपको राइड पे नहीं लेके जाना, क्योंकि ये टायर क्या होगा आपको जनरली हाई स्पीड पे जब चलाओगे ना तो ये जो ज़्यादा घिसा हुआ ब्लॉक है ये एक टाइम पे जाके ब्लंट हो जाएगा पूरा और आपका टायर पंचरना स्टार्ट हो जाएगा। 30% के पहले फ्रंट टायर आपको चेंज करना है, 30% के पहले। और कोई भी टायर का शेल्फ लाइफ है ना 3 ईयर्स का रहता है, 3 ईयर्स का शेल्फ लाइफ रहता है। जैसे आपने अभी नया बाइक लिया है तो आपको जनरली OEM है ना 6 महीने से जूना टायर नहीं देगा, या ज्यादा से 1 साल देगा। जब आप नया टायर परचेस करते तब आपको पहले देखना है कि टायर 1 साल से ज़्यादा जूना नहीं हो, क्योंकि उसका स्टोरिंग कंडीशन भी मैटर करता है। अभी जैसे हम लोग जो प्रीमियम टायर्स है उसको हम लोग सनलाइट से दूर रखते हैं और जो फास्ट मूविंग है वो सामने रख देगा कि वो फटाफट बिकने वाला है। तो अगर सनलाइट मिलता है ना टायर को तो टायर में क्या होता है शेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि टायर जैसे नया बन गया ना तो उसका कंपाउंड है ना, एक बार जैसे तुमने टायर चलाया तो उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, टायर एजिंग होना चालू हुआ क्योंकि उसको ना एक हीट साइकिल मिल गया, तो उसका ना एजिंग स्टार्ट होगा, क्रैक्स डेवलप होगा, ये सब होगा। तो जनरली क्या होता है आप सनलाइट में स्टोर करते हैं ना तो टायर को हीट मिल जाता है, टायर को लगता है कि अभी मैं एक बार रोड पे चल चुका हूँ, उतना गर्म हो जाता है वो टायर, तो वो एजिंग होना चालू हो जाएगा, उसका रबर धीरे 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 खराब होने लगेगा। उसके पहले आपको यूज़ करना है, शॉप में 2 साल टायर रह गया आपका टायर खलास हो गया, आपको टायर यूज़ नहीं करना है। तो 1 साल जूना टायर से ज़्यादा टायर मत खरीदिए, ठीक है। और आपका टायर भी जो है समझो आपने बाइक लिया है 4 साल हो गया, अरे मैंने किलोमीटर क्लॉक नहीं किया, पर आपका टायर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब भी आप है ना ब्रेक करोगे, ये मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टायर अच्छा दिखेगा जब आप ब्रेक करोगे ना, तो टायर का ब्रेकिंग जो होता है ना वो सॉफ्टनेस पे रहता है, टायर के रबर कंपाउंड पे रहता है, तो वो ब्रेक ही नहीं करेगा, टायर आपको बाइक के साथ लेके जाए वो स्किड होएगा पूरा, तभी ABS भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ABS है ना आपको लॉक करेगा छोड़ेगा लॉक करेगा, पर मेन कॉन्टेक्ट पे तो टायर ही बनाएगा रोड के साथ। ये भले ये लॉक हो गया तो ये छोड़ देगा उसको, फिर ये लॉक करेगा, पर ये अगर इसका जो कॉन्टैक्ट बनाने का जो शक्ति है रबर का सॉफ्टनेस है जो च्यूइनेस है वो चले गया ना तो गया, क्योंकि इसमें भी ऑयल रहता है। तो क्या होता है जनरली आप एक हीट साइकिल चलाते डर्ट पे चलाते निकालते चलाते निकालते तो इसका ऑयल कंटेंट उड़ जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जूने टायर राइड पे नहीं लेके जाने, क्रैक्स चेक कर लें, हवा जो आप बोला जनरली आप हवा भर के खड़ा कर देते हो सुबह निकालते हो हवा नहीं है, ये चेक करना, ठीक है। फोर्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है आपको, 20% टायर जब बचेगा, जब ये इसका TWI देखो अब इधर है, अब ये TWI अभी ये TWI देखो इधर, तो ये एक साइड से घिस गया ऑलमोस्ट, तो अभी आप सोचो कि अरे इधर तो मस्त लाइफ है, पर कार्तिक भाई ने क्या साइड पोर्शन यूज ही नहीं किया, सिर्फ सेंटर ही चला, लीन नहीं करते, लीन नहीं किया, तो ये वाला आपको अभी इसमें आप डाइस ही रहेंगे, अरे इधर तो लग रहा है कि 20% लाइफ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको 10-15% में टायर निकाल देना है फ्रंट टायर। हाँ अगर आपको चलाना है इसको तो वो आपके स्किल्स पे, जनरली लोग एकदम टकला टायर भी बारिश में चलाते वो स्किल है, ठीक है। वो आपको अगर लग रहा है आप जाओ 30 की स्पीड में कुछ नहीं हो, पर चांस नहीं ले सकते, अगर आप रैश ड्राइवर है तो आप ये आपको अंदर घुसा देंगे। 2mm आपको 2mm के पहले निकालना ही है, जनरली कुछ कंट्रीज में ऐसा भी रहता है, अभी आप दुबई जाएंगे तो उधर हर साल पासिंग होता है गाड़ी का, तो 3 या 4mm के नीचे लोग टायर चलाने भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद क्या होता है टायर चिप ऑफ होके उसका बेल्ट डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसका जल्दी जल्दी मतलब वो वीक हो गया, उसका कारकास जो बोलते हैं वो वीक हो गया, तो वो ऊपर का थ्रेड पोर्शन छोड़ देगा। अभी ये तो नायलॉन टायर, रेडियल में क्या होता है अरे एक टायर ऐसा छोटा सा टायर टाइप बनता है उसके ऊपर बेल्ट चिपका है और फिर उसका थ्रेड पोर्शन चिपक, तो वो इतना पतला हो जाने के वो पूरा फेंक देता है। अभी अपन बात करेंगे पंचर स्कैम्स के बारे में, ये जनरली क्या रहता है एक रबर रहता है अपना और ये अपना जो नायलॉन के धागे होते हैं ना थ्रेड,
उसके साथ मिक्स करके बनाया रहता है। तो जनरली पंचर वाले क्या करते हैं इसको 1/2 करके, जो आपको बता रहा था ये इजीली जाने के लिए, तो हम लोग उसको ये नहीं करते, हम लोग इसको पूरा डालते हैं, क्योंकि जब तक इसका थिकनेस नहीं रहेगा ना तो ये पंचर होल्ड ही नहीं करेगा। अभी ये टायर है, अभी समझे आपका किला है, ये है, तो अभी ये किला है, तो किला निकालने के बाद ये डाला, इससे ज्यादा होल नहीं करना आपको, ये जो है ये साइज होल का बनाना है, इसको निकालना है, इसका एक नीडल रहता है, ये नीडल के आपने इसके अंदर डाला, ये ये हो प्रॉपर होल का साइज रहेगा, ये अंदर घुस जाएगा, पूरा अंदर डाला उसको, ये इतना इतना बाहर रखना है, खींचते टाइम धीरे फट से जोर से खींचते, और आपको घुमाना नहीं है, जो ऐसा नीडल गया वैसा ही बाहर निकालना, और टायर के बीच में ना रस्टिंग होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट व्हाइट का पाउडर रहता है, तो उसकी वजह से भी ना ये साइड से लीकेज होता है, तो प्रेशर कम रखने से रिकमेंड करेंगे भाई आपका टायर खराब है या रिम खराब है, ऐसा मत करो, उसको बोलो खोलो दोनों को, बस उसको रस्ट को साफ कर दो, ऑयल लगा दो, या तो आपके पास स्प्रे पेंट रहता है ना वो स्प्रे पेंट मार दो उसको थोड़ा टाइम के लिए, 10 मिनट में सूख जाएगा, लगा दो सही हो जाएगा। तो प्रेशर कम रखने से भी होता है ज्यादा दिन? हाँ, प्रेशर कम रखेंगे तो क्या होता है कचरा बैठता है इसके इसमें से। एक स्कैम ये भी होता है ना कि जब भी हम लोग नॉर्मल पंचर निकालने के लिए जाते हैं तो साइड से वो लोग होल मारते हैं। हाँ, साइड से इसके लिए मारते हैं, साइड से इसके लिए मारते हैं क्योंकि साइड जो पोर्शन होता है ना वहाँ पे थ्रेड नहीं होता, मतलब जो धागा होता है ना, धागा जो नायलॉन टायर जनरली अपने बाइक में रहते हैं तो उसमें धागा नहीं होता, तो उनके लिए इजी हो जाता है घुसाना, कोई छोटा सुई रहेगा ना आप खुद भी एक काच नहीं पीन लोगे ना घुसा के घुस जाए, मतलब यहाँ पे अगर दिख गया तो मतलब समझ जाने के लिए टायर वाले ने कुछ गड़बड़। जनरली 99% तो स्कैम रहता है, 1% कभी कभी क्या होता है कि साइड में भी कुछ घुस जाता है, जैसे आप गए किधर कोई बैनर रहता है, बैनर ये जो मारते बैनर उसका जो पिन होता है वो घुस गया, खिल्ला घुस गया, तो साइड से घुसने का चांसेस 1% है, 99% तो स्कैम है। आज हमारा शॉप इतने दिन से हम लोगों ने 3 पंचर 2 पंचर देखा, उससे ऊपर नहीं देखा, वो भी 1-2 किले घुसे हुए, हाँ विदाउट किला तो कोई पंचर दिखता ही नहीं, कभी कभार होता है कि घुस के निकल जाता है, कभी कोई प्रोडक्ट अभी लकड़ी है उसके ऊपर किला है, अब चले गए किला घुस के निकल गया। तो मेरा जो पीछे का सीएट का टायर है वो ऑलमोस्ट 3-4,000 किलोमीटर चलेगा अभी, बट आई एम स्टिल चेंजिंग इट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी, ये ऑलमोस्ट 10,000 में वोन आउट हो जाता है और कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता वंस इट्स वोन आउट, एंड आगे का जो टायर है वो ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर चल चुका है, तो इट इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट गॉन, सो आई विल बेटर चेंज दैट नाउ, सो आई एम गोइंग फॉर द रेस का ट्रेल टायर्स, यहाँ पे दोनों टायर्स पड़े हुए हैं, आई थिंक ही इज चेकिंग फॉर द ट्यूब इफ इट इज पंचर, तो उसके बाद ये इंस्टॉल होगा, तो ये है रेस का ट्रेल आर ट्रेल 50-1 120 सेक्शन एंड 90/17, तो आप देख सकते हो इसका ईयर नाइलॉन टायर्स है और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 14/23, मतलब आपका फेब और मतलब 14th week ऑफ द ईयर, आई थिंक दिस इज सम 15 weeks ओल्ड टायर, नॉट दैट ओल्ड, और 2023 का ही है तो इट्स सेम ईयर, तो लगा देते हैं इसी को। एंड ये जो टायर है फ्रंट का इसका भी 14/23 सेम ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों एक ही बैच के प्रोडक्ट लग रहे हैं, तो लेट्स गो विद दिस, दिस इज द सेम ईयर मॉडल, तो शुड गो गिव अ गुड ग्रिप। तो इसके जो ब्लॉक्स है वो काफ़ी नैरो और थोड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है, तो लेट्स सी कैसे परफॉर्मेंस देता है एक बार डालने के बाद, राइडिंग करने के वक्त समझेगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। इट्स द सेम साइज ऑफ सीएट, 120/17 का सेक्शन है ये और आगे का 21 इंच का है, द साइज इज 90। सो हियर वी गो, रेस टायर्स ट्रेल, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इसका, होपफुली सीएट से बेटर हो। सो गाइज, दिस इज हार्दिक, सुपर टायर के ओनर है, इनके पास सारे टायर्स अवेलेबल है, सुपर बाइक से लेके
नॉर्मल अपने जो टूरिंग बाइक्स है उसके लिए राइट हार्दिक कलेक्शन आपका बता सकते हो आप थोड़ा? हमारे पास मैक्सिलर है, पिरेली है, रेसमोटो है, मैक्सिस है, ओके, सीएट है, एमआरएफ है, अपोलो है, ओके, और बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स। वाइट मैंने खुद देखा है, इनका कलेक्शन काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ पे आपको अगर टायर का रिक्वायरमेंट है आप आ सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और लगा सकते हो। तो इट वॉज रियली गुड लर्निंग फ्रॉम हिम। एंड फिलहाल जो भी अपना रेस टायर लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ऑन रोड एंड ऑफ रोड। तो फिलहाल ये व्हाट आई अंडरस्टैंड इज 70% रोड एंड 30% ऑफ रोड बायस। तो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है ये।